श्री गणपति भारत गैस ग्रामीण वितरक के द्वारा किष्टोपुर बड़वातान में किया गया पौधारोपण क्षेत्र को हरा भरा रखने का मोदी जी के संकल्प को उन लोगों ने दोहराया। दिनांक 26 जुलाई, दिन सोमवार, समाचार के साथ में मनीष कुमार झा। देश हरा भरा रखने का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की एक कड़ी में आज किष्टोपुर बरवा टाण में श्री गणपति भारत गैस एजेंसी की ओर से पौधारोपण किया गया, जिसमें फलदार पौधा के अलावा जंगली छायादार पौधा भी लगाया गया। इसमें विनोद रजवार, तालेश्वर साव, गुणेंद्र सिंह चौधरी, अरुण दसौंधी आदि ने पौधारोपण कर अपनी भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि पूरा देश हरा भरा हो ताकि हम लोगों को ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में यह देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितना देश जूझ रहा था, इसलिए हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह भारत गैस सभी जितने भी लोग राशन कार्डधारी हैं उन्हें मुफ्त में गैस वितरण करेगी। इसके लिए जो अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं ले पाए हैं अपने आधार कार्ड लेकर इनके पास आएं और मुफ्त में गैस के साथ सिलेंडर भी प्राप्त करें। क्या था पूरा मामला, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। आज का कार्यक्रम मुख्यतः हमारे हम लोग भाजपा में भी हैं तो इस ख्याल से माननीय मोदी जी जो पर्यावरण के लेकर के जिस तरह से चिंता है उसके कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा झारखंड द्वारा भी चलाया जा रहा है। और ये जो गणपति गैस एजेंसी है इनको भाजपा राज में ही ऐसा संभव हुआ कि देहात के एक आदमी को मिला है जिसके संचालक खगेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, जो कृषि मोर्चा के भाजपा के जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इसमें पर्यावरण के ख्याल से हम लोग ऐसे ही देहात में पेड़ पौधा हम लोग लगाते रहते हैं अपने अपने फायदा के लिए कि लकड़ी भी मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और फल भी हम लोग को प्राप्त होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में गणपति गैस एजेंसी द्वारा यहाँ जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया यह पहला नहीं है, इसके पहले भी ऐसा कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं ताकि पर्यावरण और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस का मात्रा कम करने के लिए, जो तापक्रम को कम करने के लिए जो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं उसी को भाजपा झारखंड द्वारा भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग इस कार्यक्रम करके विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम 2 पौधा हो, कभी 4 पौधा हो, कभी 1 पौधा हो, हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं। आज कितना पौधा? आज करीब करीब 10 पौधा लगाया गया और 10ों में से आम है, अमरूद है और कुछ लकड़ी वाला पौधा भी उसमें एक दुठो है। इस ढंग से आज इतना पौधा लगाया गया। नाम और परिचय सर? नाम, मेरा नाम नवल किशोर सिंह चौधरी, ऐसे जी मैं हेडमास्टर सा ड्राइंग DDO से रिटायर किया हूँ और वर्तमान में ग्रामीण जिला भाजपा कार्य समिति सदस्य और व्यापार मंडल गोविंदपुर का चेयरमैन पर भी कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एजेंसी ने आज पौधारोपण किया, क्या फैसिलिटी दे रही है ये एजेंसी जनता को, खासकर गरीब जनता को? भारत गैस के द्वारा, मैंने श्री गणपति भारत गैस एजेंसी के द्वारा जनता को यह फैसिलिटी दे रहा है। अभी आंगनवाड़ी के सभी केंद्र पर मुफ्त 2-2 सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है, उस मुफ्त। उसके बाद जो है कार्डधारियों के लिए सफ़ेद कार्ड रहे, उजाला कार्ड रहे, उजाला योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत अभी फॉर्म जमा हो रहा है, उसमें चूल्हा, गैस और पाइप सभी मतलब मुफ्त मिलेगा, किसी भी प्रकार का उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करना होगा आवेदकों को? आवेदकों को उसमें राशन कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स, 2 कॉपी फोटो, बैंक पासबुक। कहाँ देना होगा? ऑफिस में देना होगा, परासी। हाँ, आपके ऑफिस मैंने जो बरवाटान मोड़ गणपति श्री गणपति गैस एजेंसी का ऑफिस है, यहाँ दिया जाए। माना क्या है, किन लोगों को ये इसका लाभ मिल सकता है? इनका लाभ जैसे राशन कार्ड धारी, कोई भी राशन हो, APL हो, BPL हो या कोई राशन कार्डधारी हो, सभी राशन कार्डधारियों को मिलेगा। कितने दिन तक समय लेते हैं आप, यदि आवेदक आपके यहाँ आवेदन करें तो कितने समय के बाद उनको मिल जाने का अनुमान रहता है? मैंने 3 दिन, करीब करीब नहीं, करीब करीब 15 से 20 या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन उन लोगों को मिलेगा। जी, अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम खगेंद्र सिंह चौधरी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, उस और संचालक श्री गणपति भारत गैस